आशिकी वन एंड आशिकी टू को कंपेयर करना मेरा ख्याल से कभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे. नॉट बिकॉज मैं पहली फिल्म एक कल्ट फिल्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड सेकंड हैंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट आशिकी टू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 2013. देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट. द फिगर स्पीक फॉर देम सेल्व. मेरे कुछ कहने से या ना कहने से इट मीन्स नथिंग. इट्स नो रेलिवेंस. म्यूजिक बहुत बड़ी हिट है. द फिल्म इज़ अ वेरी बिग हिट एंड हैट्स ऑफ मैं कहता हूँ नॉट ओनली टू भट्ट साहब एंड टी सीरीज एंड द म्यूजिक डायरेक्टर्स. बोथ आदित्य एंड श्रद्धा बोथ डिजर्व द एक्लेट दैट इज मीटेड आउट टू देम. हैविंग सेड दैट एंड मोहित सूरी एज द डायरेक्टर. हैविंग सेड दैट मैंने पहले भी कहा था कि आशिकी टू हैड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट. आशिकी वन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. 23 इयर्स के बाद आप और मैं बात करते हैं. भाई आपको आशिकी फिल्म आई थी, कौन से गाने याद हैं आपको? देन वी विल टॉक. एंड जो धुन किसी के दिमाग में आता है whether they still whistle आशिकी टू या आशिकी वन आफ्टर 23 इयर्स, दैट विल बी अ टेस्ट कि कौन से गाने आज भी याद करते हैं. हैविंग गेट दैट डज नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द फिल्म. दोज फिगर्स स्पीक. बट एक कल्ट फिल्म को रहना, उसकी याद आज देखिए शोले बन गई है. मैं आशिकी और शोले की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ. शोले एक बार जो रमेश सिप्पी साहब ने बनाई वो बन चुकी है. आफ्टर दैट वी एज सिनेमा पीपल हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि शोले टाइप की फिल्म बनाए. शोले यू नो कोई भी बड़ी एक फिल्म बनती है वी ट्राई टू मेक दोज फिल्म, वी ट्राई एंड कॉपी दोज फिल्म. कुछ फिल्में बन जाती हैं एंड वी ट्राई एंड कॉपी दैट सक्सेस. इट्स नॉट पॉसिबल. हाँ रीमेक्स इज अ ग्रेट आइडिया. वी आर हम लोग रीमेक्स बनाते रहेंगे बिकॉज अभी प्रॉब्लम क्या है, वी हैव रन आउट ऑफ आइडियाज टू मेक. वी हैव नो स्क्रिप्ट एंड बिकॉज हॉलीवुड इज डूइंग इट तो हमारे को एक एक्सक्यूज मिल गया कि हॉलीवुड बनाती तो हम क्यों नहीं बना सकते. द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव द गट्स टू ट्राई आउट न्यू राइटर्स, टू ट्राई आउट न्यू फॉर्मूलाज एंड द स्टोरीज. तो बेस्ट चीज है कि पुरानी एक रीमेक जो सक्सेसफुल रही है उसी की रीमेक बना करके आज का तड़का या आज का फ्लेवर या आज का इस चीज को लेकर के हम लोग बना दें. नथिंग रॉन्ग विद इट बट इट्स अ बिग बिग चांस क्योंकि आप तुलना तो करेंगे. आशिकी फिल्म में एटलीस्ट जो पहली बार लोग गए थे थोड़ा तो इन द बैक ऑफ द माइंड होगा कि वो आशिकी थी, शायद इसमें वो थोड़ा सा होगा तो वो गए. देन द मूवी स्टूड ऑन इट्स ओन. सो वी कांट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम आशिकी टू. इट वॉज अ ब्रिलियंट फिल्म ऑन इट्स ओन. सक्सेस हुई अपने दम पे. वी कांट टेक दैट अवे. बट वेदर इट इज गोइंग टू बी अ कल्ट फिल्म टू बी रिमेम्बर्ड, ये 23 साल के बाद पूछें तो उसका जवाब है.